जय हिंद दोस्तों। आज मैं सार्जेंट विनय कुमार शुक्ल, सेवानिवृत्त भारतीय वायुसेना 130 ATC ऑल थ्रू कोर्सेज मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर। आज हमारी सेवा के 34 वर्ष पूरे हो रहे हैं और आज इस 34 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कुछ झलकियां अपनी सेवा से और अपने दोस्तों की आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, 34 वर्ष कम नहीं होता है। 34 वर्ष की सेवा देना या 34 वर्ष एक साथ रहना बहुत बड़ी बात है। हमारी यह यात्रा शुरू हुई थी 28 जुलाई 1979 अर्थात 1989। देश के अलग अलग चयन केंद्रों पर चयनित जितने भी बाहुवीर थे अर्थात हम सब, रिपोर्ट किए और रिपोर्ट करने के बाद हमारी यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू हुई। रेलवे स्टेशन पर ले जा करके हमें ट्रेन में बैठाया गया चयन सेंटर, चयन केंद्र के लोगों द्वारा, और हम लोग अलग अलग ज़िले से, अलग अलग राज्य से बेंगलुरु पहुँचे। बेंगलुरु आज की तारीख में पहले बेंगलोर होता था। बेंगलोर पहुँचने के बाद कुछ घंटे हमें स्टेशन पर प्रतीक्षा करनी पड़ी क्योंकि हमारी मंजिल थी मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर जालाहली ईस्ट में, जहाँ से हमारे सैनिक बनने या देश के प्रति समर्पित होने का प्रारंभ होना था। वहाँ पहुँचकर और फौजी ट्रक में आया बैठ करके जालाहली पहुँचे। तब तक हम शायद जिन टोलियों में थे उन टोलियों के लोगों को ही नहीं पहचान पाए थे। मेडिकल ट्रेनिंग सेंटर पहुँचने के बाद हमसे जो सीनियर थे वो आए, उन्होंने हमें रिसीव किया और हमें हमारे रहने का स्थान दिखाया गया। और फिर मुझे लगता है आपस में एक दूसरे से परिचय करते करते हफ्ता तो गुजर ही गया होगा, क्योंकि घर से आए थे, अपनों की यादें, और एक अल्प आयु में कोई 16 वर्ष का, कोई 17 वर्ष का, कोई 18, कोई 19 वर्ष का, इससे अधिक उम्र का कोई नहीं था। सभी आए और फिर हमारी यात्रा शुरू हुई। हम वायु सैनिक एयर वॉरियर बने और एयर वॉरियर बनने के साथ साथ हम पैरामेडिक्स बने। कुछ ऐसी भी यादें इसमें रही हैं, जैसे कुछ मित्र थे उन्हें हम अलग अलग नामों से निकनेम दे करके पुकारा करते थे। श्याम किशोर त्रिपाठी, दादाजी, डीके राव ब्रेक डांसर, इस तरह से बहुत थे। उतार चढ़ाव होते होते फिर हमने ट्रेनिंग पूरी की। प्रशिक्षण के बाद फिर से एक बार बिछुड़ने का समय आया और हम सब फिर से अलग अलग हो गए, अर्थात 6 महीने के लिए फिर से एक ग्रुप में अलग अलग अस्पतालों में प्रशिक्षण के लिए गए। उसके बाद फिर से एक बार बिछड़े और पूरे भारत में बिखर गए। इस यात्रा में कोई 20 वर्ष की सेवा दे करके आया, कोई 23, कोई 26, और कोई अभी भी सेवारत है और नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमारी इस यात्रा में बीच में कुछ मित्र छोड़कर चले गए, छोड़कर अर्थात ईश्वर में लीन हो गए। आज हम उन मित्रों को भी भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। अगर वे होते तो आज नज़ारे कुछ और होते, लेकिन ईश्वर के आगे किसी का नहीं चलता। ईश्वर जो करते हैं वो अपने आप में मस्त रहते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद भी आज भी हम सब देश की सेवा से जुड़े हुए हैं। कोई बैंक में है, कोई किसी प्रतिष्ठित संस्थान में है, तो कोई प्रोफेसर है, जो जहाँ है वहाँ अपनी सेवाओं से उस संस्थान को समृद्ध कर रहा है। और कहा भी जाता है कि फौज की दोस्ती गार्डरूम तक होती है, लेकिन हमारी जो दोस्ती चली, क्योंकि मैंने देखा है, सिविल लाइफ जीकर भी देखा है और फौजी लाइफ भी जीकर देखा है, हमारा यह जो रीयूनियन है अर्थात हम लोग जो रहे हैं वहाँ से 28 जुलाई 1979 से हमारी जो यात्रा शुरू हुई है, आज भी हम सब एक दूसरे के करीब हैं, चाहे भले ही एक दूसरे से दूर हों, हृदय से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और आज इस सुअवसर पर मैं अपने समस्त मित्रों और उनके परिवार वालों को हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसे ही जोड़ी बनी रहे और हम सब जुड़े रहें, देश की सेवा को अग्रसर होते रहें और उसके साथ साथ अपने और अपनों को भी सुखी करते रहें।
जय हिंद दोस्तों।